देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। मशहूर रैपर हनी सिंह को कौन नहीं जानता है। हनी ने अपने रैप सॉन्ग से हर किसी को अपना दीवाना बनाया है। उनके गाने हर पार्टी और शादियों में सुनने को मिलते हैं। हालांकि रैपर की लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। अब बात अगर हम उनकी हेल्थ को लेकर कर लें या फिर डाइवोर्स की, दोनों चीजों ने हनी को काफी परेशान किया है और अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में अपनी लाइफ को लेकर खुलकर बात भी की है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि आज तक मैंने वही लिखा है जो किया है, शराब पिया, उल्टे सीधे काम किए और उन पर ही गाने भी लिखे। साथ ही उन्होंने अपनी बीमारी को लेकर भी बात की और कहा कि जब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ था तो 5-6 साल काफी बीमार रहा। साथ ही हनी कहते हैं कि उस वक्त पर मैं काफी अल्कोहलिक हो गया था, मुझे नींद नहीं आती थी और मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। उन्होंने अपने करियर को लेकर भी बात की और कहा कि मैं 7 साल पंजाब में रहा हूँ, वहीं से मैंने रैप की भी शुरुआत की थी। फिर मैंने 2007 में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर काम शुरू किया। मेरा दिल्ली में 100 गज का घर हुआ करता था। आगे हनी ने स्कूली दिन का भी किस्सा शेयर किया और बताया कि स्कूल लाइफ में मैं काफी शरारती था और म्यूजिक का तो मुझे बचपन से शौक था। 10-12 साल की उम्र में मैंने तबला बजाना सीख लिया था। साथ ही हनी ने अपना करियर एक्टिंग में भी आजमाया था। हनी ने खुद बताया कि मैंने 3 पंजाबी फिल्में की, तीनों फ्लॉप हो गई। उन्होंने कहा कि जब लाइफ में कामयाबी आ जाती है तो बंदा सिखाने लगता है, लेकिन जब नाकामयाबी आती है तो बंदा सीखने लगता है। साथ ही उन्होंने 2012 को अपना लकी ईयर बताया और कहा कि इस साल मैंने अपनी लाइफ में काफी सफलता देखी। मुझे कई बड़े स्टार्स कॉल किया करते थे, इस दौरान मैंने कई हिट गाने बनाए, फिर मैं खुद को भगवान समझने लगा। कुछ वक्त बाद मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से हुआ और यह मेरी लाइफ का काफी टफ फेज था। हनी ने कहा कि मैं अपनी बीमारी के कारण काफी समय तक गाना नहीं बना पा रहा था। फिर किसी ने मुझे गंगा माँ के दर्शन करने को कहा, उसके बाद लाइफ में काफी बदलाव आया। मैंने 43 गाने लिखे। अंत में हनी ने अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पर बात की। उन्होंने कहा कि मेरा अपकमिंग प्रोजेक्ट 3.0 आने वाला है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और यह मेरी लाइफ के तीसरे पार्ट को दिखाएगा। तो यो हनी सिंह के इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल रफ्तार को फॉलो करना ना भूलें। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।